मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पे रूपिक इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखा है कि क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है, और अगर इस एप्लीकेशन से लोन लेके इसका लोन वापस ना भरा जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करेंगे शुरू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को चलिए हम लोग करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करेंगे पे रूपिक इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में कि क्या ये रियल ऐप है या फिर फेक ऐप है। इस ऐप को आपके दोस्तों सिविल से कोई भी मतलब नहीं है। जब आप इस पे लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो फिर यहाँ पे ओनली 10% केस में आपको लोन मिलेगा, भले ही आपका सिविल स्कोर 850 भी क्यों ना हो, फिर भी आपको सिर्फ वहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है लोन, और सिर्फ 10% केस में ही लोन यहाँ पे मिलता है। और जो लोन का अमाउंट होगा वो हमेशा दोस्तों 5000 से कम होगा, less than 5000, और हो सकता है कि अप्रॉक्स 5000 के आसपास हो या 5000 से कम हो। यहाँ पे लोन का अमाउंट दोस्तों काफ़ी कम आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जो लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए इस एप्लीकेशन से लोन, क्योंकि यह है तो RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन जो आपका सिविल खराब करती है, लेकिन इसके बाद भी ये एप्लीकेशन दोस्तों फेक है, ये रियल नहीं है। ये पहली ऐसी एप्लीकेशन मुझे मिली प्ले स्टोर पर जो RBI से रजिस्टर्ड होने के बाद भी एक फेक लोन ऐप 100% है। इसकी मैं अभी आपको प्रूफ देता हूँ। जब आप इस पे यहाँ पे 5000 का लोन लेंगे तो ठीक 7 डेज बाद, ये भी 7 डेज लोन ऐप की तरह ही काम करती है, और 7 डेज बाद ये आपसे 10000 का रिपेमेंट बोलेगी करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 2 गुना रिपेमेंट। उसमें भी अगर आप लोग पेमेंट कर देते हैं तो दोबारा पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, पेमेंट का कोई स्टेटस आपको शो नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ में यहाँ पे आपसे 10000 की जगह हो सकता है कि 1 लाख रुपए भी ये लोग पेमेंट आपसे ले लें। ऐसी एप्लीकेशंस का धंधा लगातार प्ले स्टोर पे बढ़ता जा रहा है, और उसी में ये नंबर 1 पे है जो कि फेक होने के साथ साथ RBI से ये रजिस्टर्ड है, और इसको तो प्ले स्टोर से कब का हट जाना चाहिए। लोगों का डाटा चोरी करके दोस्तों चाइना वाले लोगों को बेचने का काम कर रही है ये फर्जी लोन एप्लीकेशन, और इस लोन एप्लीकेशन को अब प्ले स्टोर से हटाना होगा, और हटाने की जिम्मेदारी है हमारी। तो आखिर हम लोग कैसे इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप लोग जाके ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट कीजिए इसको प्ले स्टोर पे, ताकि इसकी रेटिंग काफ़ी कम हो, और सेकेंड नंबर पे इसके खिलाफ साइबर क्राइम में आप लोग काफ़ी मात्रा में कंप्लेंट कर दीजिए। साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने से इस एप्लीकेशन पे कार्रवाई होगी, और ये एप्लीकेशन जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्जी एप्लीकेशन है, और फर्जी पाए जाने पे इस एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ से भी मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है, और ये एप्लीकेशन की दोस्तों मैं पूरी सच्चाई अब आपको बताता हूँ। ये एप्लीकेशन वाले आपके साथ क्या करते हैं, तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करते हैं, आपकी फोटोज हैक करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करेंगे, आपका एड्रेस फोटोज वगैरह हैक करके आपको धमकी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देंगे, जो कि एकदम ही इलीगल काम है। कोई भी अगर आपको धमकी देता है तो उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके प्रूफ के तौर पे सेव कर लीजिए। अलग अलग नंबर से ये लोग कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, आपको धमकी देंगे, और साथ ही में आपके कॉन्टैक्ट पे भी कॉल करके उन लोगों को भी डराएंगे धमकाएंगे इस आदमी से पैसा लेकर देने के लिए। बात करते हैं दोस्तों एजेंट की, रिकवरी एजेंट, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ ही नहीं सकता, किसी भी ज़िंदगी में आपके घर पर कोई रिकवरी एजेंट नहीं आएगा। साथ ही में बात करें दोस्तों नोटिस, यहाँ पे नोटिस वगैरह कुछ नहीं आते, खाली एक आपको मैसेज आता है जो कि एकदम नोटिस की तरह सेम दिखता है, उस मैसेज को आपको 100% इग्नोर करना है। और बात करेंगे कि अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया और फंस चुके हैं तो फिर दोस्तों निकलने का एक ही उपाय है कि आप इसका पेमेंट कर दें। अगर पेमेंट करने के बाद भी ये एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं कि आपके जो भी आपने जहाँ से भी लोन लिया है तो वो सिविल में हटाते नहीं, सिविल में वो शो होता रहता है, वो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू अमाउंट दिखाता रहता है। तो ये इन लोगों को बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट है, तो कभी भी लोन ना लें। और अगर आप लोग को लोन पेमेंट नहीं करना, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो फिर लोन का पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये एप्लीकेशन फिर आपका सिविल पूरी तरह से डैमेज कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपका सिविल काफ़ी हद तक डैमेज कर देगी कि इन फ्यूचर में आपको लोन कहीं से भी ना मिल पाए। तो ऐसी एप्लीकेशन से बिल्कुल बच के रहें। और अगर ये एप्लीकेशन वाले आपको तंग कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो इसका साइबर क्राइम में आपको रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ साथ में एक उपाय और है कि आपका जो अपना नंबर है, जिस नंबर से आपने साइनअप किया है, उस नंबर को आप 10 डेज के लिए दोस्तों ऑफ कर दें। अगर आप लोग 10 डेज के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कर देंगे जिससे आपने साइनअप किया, जिस पर ये लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, तो फिर ये एप्लीकेशन वाले आपको तंग करना छोड़ देंगे। जब 10 दिनों तक वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, आपके बारे में जान नहीं पाएंगे, आपको डरा नहीं पाएंगे, धमका नहीं पाएंगे, तो फिर ये एप्लीकेशन वाले हमेशा के लिए आपको तंग करना छोड़ देंगे। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसी बात पे अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करके
वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगले वीडियो में। लगभग सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, बाकी कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप लोग पूछ सकते हैं।